हिमाचल में 2004 के बाद सरकारी नौकरी करने वाले को पेंशन नहीं है, लेकिन विधायक, एमपी और राज्यसभा सदस्यों को पूरी पेंशन मिलेगी। इसको लेकर स्थानीय जनता ने रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा, कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल, सभी सुविधा की राजनीति करते हैं। अपने फायदे की हर बात, चाहे मैं भत्ते से संबंधित हो या वेतन से, एक ध्वनि मत में बिना किसी विरोध के पास हो जाती है। लेकिन जहां बात कर्मचारियों के हितों को आती है, तो उनकी मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पिछले काफी समय से पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बिल्कुल भी और गौर नहीं कर रही है। अगर वे उनके हक में फैसला नहीं देना चाहते हैं, तो किसी भी जनप्रतिनिधि को भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। रोष प्रकट करते हुए सोलन की जनता किशन ग्रोवर, जगमोहन मल्होत्रा, मनीष शाहनी ने कहा कि जनता का प्रतिनिधि जिसने शपथ ग्रहण कर महज एक ही दिन में कार्य किया हो, वह पेंशन का हकदार होता है, जो बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि जो युवा सरकार नौकरी पर लगता है, वह अपने जीवन का कीमती समय देश के विकास के लिए लगाता है, लेकिन जब वह वृद्ध होता है तो उससे सरकार किनारा कर देती है। ये दोहरे मापदंड बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कहा कि या तो जनप्रतिनिधियों जैसे विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्य, उनकी भी पेंशन बंद होनी चाहिए, या फिर सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की बुढ़ापे का सहारा केवल पेंशन है, लेकिन सरकार ने ये हक भी उनसे छीन लिया है, जो तर्कसंगत नहीं है। तो आज जो चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने अपनी जो है पेंशन्स जो हैं, अगर आप एक साल एमएलए या एमपी भी रहते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी, तो ये तो एक नाइंसाफ़ी वाली बात है। उनको पेंशन भी बहुत अधिक है, और अगर आपको ये बताया रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलनी है वो भी हाफ सैलरी से कम होती है, और अगर वो आदमी अपनी ज़िंदगी के हाथ धो देता है तो उसकी फैमिली पेंशन उसकी भी 1/4 हो जाती है। तो मैं इस विषय पर यही कहना चाहूँगा कि सरकार को चाहे प्रोपोर्शनेटली उसको थोड़ा कम कर दे, लेकिन एम्प्लॉइज़ को जो है ये पेंशन जो अवश्य मिलनी चाहिए। और इसमें एक अवस्था और भी है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे, उनके जो फैमिलीज जो हैं, आजकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इकट्ठा रहने में भी वो खुश नहीं है। तो बुज़ुर्ग माँ बाप को जो है एक बड़ी समस्या का भी फेस करना पड़ता है, लेकिन आपके हैंड में आपके हर मंथ आपको एक सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन आता रहे, तो आपका जो है लाइफ बड़ी स्मूथली चल जाती है। तो मैं इस फेवर में ही हूँ कि सरकार को किसी भी तरीके कैसे भी मैनेज करके जो अपने सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं उनको पेंशन ज़रूर देनी चाहिए। साथ ही साथ अगर इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि सरकार को ऐसे ही स्वयं के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि 2004 के बाद जो भी एमएलए और एमपी बने हैं उन सबको भी पेंशन ना मिले। जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो आने वाले बच्चे हैं, जो नौकरी लगेंगे या लगे हुए हैं, उनको ये पेंशन का प्रावधान सरकार को करना ही चाहिए, क्योंकि ये बार बार उंगली उठती है कि जो विधायक या एमपी हैं, ये हर बारी अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं, इन चाहे वो एक महीने के लिए ही एमएलए बने हो, उपचुनाव में जीत के आए हों, उन्हें भी पेंशन लग जाती है। तो ये बार बार उंगली पूरी जनता उठाती है कि जो सरकार को पूरे जीवन की सेवाएं देता है उसे पेंशन नहीं है, और थोड़े समय में जो काम करते हैं चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, उन्हें पेंशन मिल जाती है। तो ये सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, और 2004 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं उनकी पेंशन बहाल करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2004 के बाद जो सरकारी एम्प्लॉइज थे उनकी पेंशन जो है वो बंद कर दी है, लेकिन मेरा ये कहना है इस विषय पे कि सरकार के पास जो एम्प्लॉइज 30 और 35 वर्ष तक अपनी सरकारी नौकरी सरकार को सेवाएं देते हैं, और उनका जो बुढ़ापे का जो एक पिछली सरकारों ने एक ऐसा बना रखा था कि वो पेंशन से अपना परिवार का गुजारा कर लेते थे, लेकिन आज जो लोग 2004 के बाद हैं उनको ये जो पेंशन की व्यवस्था है ये बंद करके सरकार ने उन एम्प्लॉइज़ के साथ अन्याय किया है। और जहाँ तक सरकार को चाहिए, सरकार में बैठे हुए पद अधिकारी जो एमएलए है या एमपी हैं या राज्यसभा के मेंबर एक बार बन जाते हैं, जब उन्होंने ओथ ले ली होती है तो उसके बाद सरकार द्वारा उनको जो है पेंशन बहाल की जाती है और उनको पेंशन लगी हुई है। तो जब एक 5 साल कोई सामाजिक आदमी सरकार की सेवा करता है और ऐसे
उस पर जनप्रतिनिधि बन के जनता के द्वारा चुन के वो सिर्फ 5 साल के लिए जाता है और सरकार उसको पेंशन लगा देती है। तो सरकार को चाहिए कि जो इम्प्लाइज 35 वर्ष 30 वर्ष तक लगभग सरकार की सेवा कर रहा है उसके बुढ़ापे का ख्याल रखते हुए और ताकि वो अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके इस पेंशन को बहाल करना चाहिए। कि सरकार जो है अपने आप में जो जनप्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं अपने तो कोई भी सुविधा जो है कम नहीं करना चाहते, लेकिन जो सरकार को चलाने वाली रीढ़ की हड्डी है उसके उसको हर प्रकार से वंचित किया जा रहा है। बड़े दुख की बात है। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो पेंशन है इसको बहाल किया जाए।